हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं हमारे जेड प्लांट हैं ये, और ये जेड प्लांट की टोपियारी हैं। तो ये जो टोपियारी हमारी है ये बहुत ही ज़्यादा घनी हो गई है, तो इनकी आज हम टिप की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। और ये जो हमारा प्लांट है ये आप देख सकते हैं कितना रेगी सा हमारा ये प्लांट हो गया है, क्योंकि इसकी कभी भी हमने पिंचिंग नहीं की है। इसकी जो हार्ड प्रूनिंग है या सॉफ्ट प्रूनिंग कभी भी नहीं की है। ये जो प्लांट हमारा है इसे हमने कटिंग से लगाया था, और ये चार प्लांट नहीं है, ये एक ही कटिंग से हमने ये प्लांट तैयार किया है। इसमें चार स्टेम पहले से ही थी, तो इसकी जो स्टेम है ये इतनी मोटी कैसे हो गई है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसकी जो स्टेम है उसमें इस तरह के ये जो शूट्स निकलते रहते हैं, तो इनको हमें तोड़कर हटाते रहना है। जब इनको हटा देते हैं तो हमारी जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसकी जो स्टेम है ये बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है, क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ये जो शूट्स नहीं ले पाते हैं, इनको हम हटा देते हैं। और ये आप देख सकते हैं प्लांट हमारा कितना ज़्यादा हेल्दी है, और ये आप प्लांट देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं, और ये वाला आप देख सकते हैं बहुत ही कम पत्तियां आपको इसमें दिखाई देंगी। इस प्लांट की स्टेम आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली हो गई है, और ये क्यों खाली हुई है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लगातार 3-4 दिन बारिश होने के कारण आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्लांट है इसकी पत्तियां पीली होने के बाद ये सभी झड़ गई हैं, तो ये नई ग्रोथ इसमें हुई है। तो ये प्लांट जो है हमारा बिल्कुल ही खाली हो गया था, इसमें केवल स्टेम ही रह गई थी, पत्तियां सभी झड़ गई थी ओवर वाटरिंग की वजह से। ये जो जेड प्लांट होता है इसमें कभी भी पानी का स्प्रे नहीं करना चाहिए। पानी के स्प्रे से हमारा जो प्लांट है इसकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती हैं, क्योंकि हमारे जो प्लांट होते हैं ये इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी स्टोर होता है। ये बहुत ही मोटी मोटी सी पत्तियाँ होती हैं, तो हमें अपने जेड प्लांट के ऊपर कभी भी पानी का स्प्रे नहीं करना चाहिए। पानी का स्प्रे करने से बचें, तभी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, पत्तियाँ पीली नहीं होंगी। ये भी प्लांट जो है हमारा इसकी भी पत्तियाँ झड़ रही हैं, इस तरह से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और पीली होकर झड़ने लगती हैं। ओवर वाटरिंग से और पानी का स्प्रे ज़्यादा करने से पत्तियाँ जो हैं वो पीली होकर झड़ने लगती हैं इस तरह की। और जब हम बहुत कम पानी देते हैं तो हमारा जो प्लांट है इसकी पत्तियाँ बहुत ही पतली हो जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। तो बहुत कम पानी से भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, और ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी हमारा प्लांट जो है ये ख़राब होने लगता है। ये जो जेड प्लांट होता है इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है। इसके स्टेम आप देख सकते हैं इस तरह से लटकने लगती हैं, तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये इसे हैंगिंग बास्केट में भी हम लगा सकते हैं, और इस तरह से इसकी टोपियारी भी बनाई जा सकती हैं। कि जो ब्रांचेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा लैगी हो गई हैं, जिस वजह से इसकी जो शेप है वो नज़र नहीं आ रही है, तो इसकी हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। इसमें जो नीचे साइड की पत्तियाँ होती हैं उनको 3 से 4 छोड़कर ऊपर की टिप जो है इसे हमें कट कर देना है। इसको कट करते रहते हैं तभी हमारे जो प्लांट की बोनसाई है उसकी शेप मालूम पड़ती है। तो ये जो हमारा प्लांट है इसकी पत्तियाँ झड़ गई हैं, तो इसी की पहले स्टेम हम काट कर दिखाते हैं इस तरह से। इसके लिए हम टिप की कटिंग करते रहते हैं तो हमारा जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है, और जब घना प्लांट होता है तभी इसकी बोनसाई अच्छी लगती है। तो इसकी जो टिप है इसकी कटिंग करते रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लैगी ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो स्टेम में जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलती हैं, जो शूट्स निकलते हैं, इनको भी काट कर हटाते रहना चाहिए। इनको जब काट कर हटा देते हैं तो हमारी जो स्टेम होती हैं ये बहुत ही मोटी हो जाती हैं और सुंदर दिखती हैं।
तो इसी तरह से ये सभी जो टोपियारी हमारी हैं इन सभी की हमें टिपकी कटिंग करनी है, और टिपकी जब कटिंग करेंगे तभी इनका शेप जो है वो समझ में आएगा। आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।